जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह लोग 2021 में बर्बाद होने वाले। अब वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो सभी बातें आपको इस पूरे वीडियो में आज क्लियर हो जाएगी, ताकि आप एक चीज़ अंडरलाइन कर लोगे, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो शायद आपकी कोई परेशानी से आप बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझ आएगी। नहीं तो फिर मुझे कमेंट्स में आप पूछ बता हमेशा लिखते हैं कि फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती, क्योंकि आप अधूरा वीडियो देखते और फिर बातें समझ नहीं आती। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें ताकि आपको सकारात्मक जानकारी मिले जो आपके जीवन को सकारात्मक वे में ले जाए। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में आप जय श्री महाकाल लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जो आपकी इच्छा हो आप कमेंट्स में खुलकर लिख सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि वो लोग कौन लोग बर्बाद होने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे मुख्यतः वो लोग बर्बाद होंगे जो लोग किसी भी प्रकार के जुए में कार्यरत हैं। आप फिर से इस वीडियो को देखना, जुए में जितना भी आप लगाएंगे आप बर्बादी की ओर जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इससे बाहर रहें दोस्तों। दूसरा है नशा, नशा जीवन का नाश है, कोई भी नशा ना करे प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि उससे हमारे परिवार, दोस्त, मित्र सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, एक अच्छा खासा जो जीवन है वो तकलीफों में चले जाता है। तो कोई भी नशा न करे, नशा जीवन का नाश है, और अगर आप नशा करेंगे तो दोस्तों आप बर्बादी की ओर स्वतः ही जाएंगे। मैं बेशक ये जानता हूँ कि ये फैसले हमारे होते हैं, हम खुद हमारा अच्छा बुरा जरूर चाहते, पर नशे से आज तक किसी का हित या फायदा नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ तकलीफें झेली, आर्थिक रूप से तकलीफें झेली, कई बार धोखाधड़ी और कई सारी चीज़ें हो चुकी है। तो 2021 जो शुरू हो रहा है, इसमें हम वादा करें खुद से कि हम नशा छोड़ेंगे, कोई भी जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे दोस्तों, इससे अब जितना बचे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तीसरे, वो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसलिए जितना हो सके उतना महिलाओं का सम्मान करें और दिल से सम्मान करें, क्योंकि उनमें महिलाओं के सम्मान मात्र सम्मान के बिना, मतलब जो व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं करता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी उसके नोक के नोक चाहे कितने भी पॉजिटिव हो वो आपको पॉजिटिव इम्पेक्ट नहीं देंगे, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों को ये बात कह रहा हूँ। तो ये तीन बातें आपको गांठ बांध लेनी है दोस्तों, इन तीन बातों के लिए बहुत सकारात्मक रहे, खुद के प्रति पॉजिटिव रहे और इन नेगेटिविटी से दूर हट जाए दोस्तों, क्योंकि यही एक जीवन का सच है। और हमें समझाने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें वो समझ नहीं आती है, पर वक्त निकलने के बाद फिर वो भी हमें नहीं सही तरीके से समझा पाएंगे और वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो वक्त है, अभी संभल जाओ तो 2021 में आपको बहुत सारी पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ें मिलेगी, अन्यथा जीवन तकलीफों की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।